हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरे हाथ में ये देख सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, आप जो इसे प्रो भी बोल सकते हैं, बिकॉज यार दोनों फोन के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर जो शाओमी की तरफ से यार यहाँ पर जो यार एकदम अच्छी न्यूज निकल के सामने आ चुकी है। न्यूज बोले तो यार यहाँ पर जो यार MIUI 13.0.3.0 एक रेडमी नोट 10 प्रो के लिए जो न्यू अपडेट रिलीज कर दिया है, जो कि यार मेरे पास रेडमी नोट 10 प्रो है। इसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि यार ऑलरेडी एक MIUI 13 बेस अपडेट रिलीज किया था, जिसका बिल्ड नंबर MIUI 13.0.1.0 था। लेकिन गाइस, यहाँ पर सेकंड MIUI 13 बेस अपडेट रिलीज कर दिया है। मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को, इसीलिए बोलूंगा यार टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अब तक तो यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। वेल गाइस, यहां पर मेरे जो फोन के अंदर तो मैंने जो अपडेट कर लिया है, ये जो फिलहाल कुछ ही मी पायलट यूजर्स को देखने को मिल चुका है, अभी जो पब्लिक रोल आउट नहीं किया गया है, ये जो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। वेल यहां पर देख सकते हैं MIUI 13.0.3.0 स्टेबल अपडेट यहां पर साफ साफ लिखा है। बाकी यहां पर जो सिस्टम के अंदर व्हाट्स न्यू के अंदर चेंज लॉग की बात करें तो अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो गाइस, यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बता दूं तो ये अपडेट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो कोई भी बग्स थे उसे फिक्स कर दिया है, और तो और यहाँ पर जो लेटेस्ट आप लोगों को मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। वैसे अब जो अप्रैल चल रहा है, लेकिन यार अप्रैल का नहीं मिलेगा आप लोगों को, मुझे भी पता है, आप लोगों को मैं बता दूं तो यहाँ पर मार्च का ही मिलने वाला है। जब मंथ एंड होता है तब आप लोगों को ये जो पुराना वाला देखने को मिल जाता है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी गाइस, यहाँ पर जो है अपडेट जो काफ़ी जल्दी यहाँ पर Xiaomi की तरफ से रिलीज कर दिया है, अभी जो यार फ्लैगशिप डिवाइस कुछ ऐसे बचे हैं जैसे कि Mi 11X भी यहाँ पर बचा है, जिसको यार एक ही मेजर अपडेट मिला है जो कि यार MIUI 13 बेस अपडेट है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो MIUI 13 बेस यहाँ पर जो सेकंड अपडेट जो Redmi Note 10 Pro and 10 Pro Max के इंडियन यूजर्स के लिए जो रिलीज कर दिया है, जो कि यार एकदम सरप्राइजिंगली बात है, शॉकिंग न्यू बात है यहाँ पर, क्योंकि इतनी जल्दी Xiaomi ने कैसे रिलीज किया आई डोंट नो गाइस। अभी तो यार इससे पहले जो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन यार इस डिवाइस के लिए ऐसा हो चुका है। और इंडिया के अंदर की बात करें तो यार अभी भी कोई भी डिवाइस के लिए इतनी जल्दी सेकंड अपडेट MIUI 13 बेस रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन इस डिवाइस के लिए कर दिया है। बाकी यार इस अपडेट के अंदर क्या कुछ आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे जो इसके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं आया है, यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को पुराना वाला ही कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, एज इट इज जो पुराना था वैसा ही देखने को मिल जाता है, 13.0.1.0 के साथ जो देखने को मिलता था वही। यहां पर जो यार बात करें यहां पर जो है ऐप वॉल्ट के अंदर, तो यार ऐप वॉल्ट के अंदर जैसे पहले था वैसा ही सब कुछ है। यहां पर जो आप लोगों को मैं प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके भी दिखा देता हूं, तो यहां पर विजेट जो पहले जितने थे उतने ही यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा कुछ भी इसके अंदर आप लोगों को अंतर देखने को नहीं मिलता। क्या अब जो हम इसे जो है अपने होम स्क्रीन के ऊपर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नहीं, उसे भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूं और यहां पर देख लेता हूं, तो भाई अभी भी हम जो यार अपने ऐप वॉल्ट से अपने होम स्क्रीन के ऊपर इसे स्विच नहीं कर सकते, मतलब नहीं लेके जा सकते। जैसे कि ये जो मैंने ऐड किया है, तो इसे ऐड करने के लिए जो आप लोगों को एक्टिविटी लॉन्चर की मदद से करना पड़ेगा, जो मैंने जो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, आपको वीडियो मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, देख सकते हैं मेरे जो इससे पहले जो वीडियो डाली थी 10 प्रो मैक्स के लिए, जो MIUI 13.0.1.0, उसके अंदर मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को कैसे एक्टिविटी लॉन्चर की मदद से अपने होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके के गेस्चर वगैरह ऐड करने, तो आप जो वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी यार इसके अंदर और भी आप लोगों को चेंजेस की बात करें, जो कि यार आप लोगों के मन में डाउट होते कि भाई क्या इस अपडेट के अंदर ये चेंज हुआ है या फिर नहीं, जो कि मेन बात भाई इसके अंदर क्या हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला 10 सेकंड का लिमिट चला गया है या फिर नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं ऑलवेज ऑन वाला जो यार ये जो यहां पर 10 सेकंड ही देखने को मिल जाएगा, और ये मैंने ऑलरेडी यार हर वीडियो के अंदर बताता हूं जब कोई भी अपडेट आता है कि भाई ये नहीं जाएगा, ये जो वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो यार आप लोगों को एकदम फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, एकदम अच्छा वाला डिस्प्ले नहीं है एमोलेड वाला। तो यार आप जो इससे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी अपडेट के अंदर वो जो 10 सेकंड का लिमिट चला जाएगा और आप लोगों को परमानेंटली देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है गाइज। वैसे गाइज आप लोगों को बता दूं, पहले आप जो है इस सेटिंग की मदद से डेवलपर ऑप्शन वाले उसे यूज कर सकते थे परमानेंटली, लेकिन यार वो भी Xiaomi की तरफ से जो यार बंद कर दिया उस सेटिंग को, क्योंकि यार आप लोगों को मैं बता दूं तो यार डिस्प्ले जो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आप लोगों को बर्निंग इशू वगैरह आ सकती थी, तो Xiaomi को ये पता चल गया जैसे ही, तो उन्होंने ये जो ऑप्शन ही यहाँ से हटा दिया था। तो ये जो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ऑप्शन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब जो यार ये अपडेट पुश किया तो किया क्यों,
रिव्यू, ये जो मैं क्लियर कर देता हूँ। काफी लोग बोलेंगे कि गाइस डायलर चेंज हुआ होगा, नहीं गाइस आप लोगों को MIUI का डायलर नहीं मिलेगा अभी कभी भी, यहाँ पर गूगल का डायलर ही आप लोगों को यूज करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कभी भी इसके अंदर MIUI का डायलर रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस, गूगल डायलर ही रहने वाला है, MIUI का डायलर नहीं आएगा। बाकी यार ये अपडेट रिलीज तो करने का मकसद क्या है, तो गाइस रिलीज इसलिए किया है कि भाई जो पहले काफी बग्स देखने को मिल जाते थे वो जो फिक्स करने के लिए यहाँ पर रिलीज किया है। वैसे गाइस मेरे फोन के अंदर की बात करें तो मुझे इतना ज्यादा कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन गाइस हाँ काफी लोगों को यार एप्लीकेशन से ओपन करते टाइम या फिर कोई भी एप्लीकेशन से स्विच करते टाइम यहाँ पर इशू आता था, तो उस इशू को फिक्स करने के लिए ये अपडेट बोला जा रहा है कि फिक्स करने के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है। और जिन लोगों ने अपडेट किया है उनके तरफ से एक ही यहाँ पर रिस्पांस आया है कि भाई इसके अंदर जो है जो पहले एनिमेशन डिले थे यानी कि स्मूथनेस की जो है वो जो अच्छा कर दिया है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देख सकते मैं जो अपने फ़ोन को आसानी से यूज़ कर पा रहा हूँ, डिस्प्ले के अंदर जाकर रिफ्रेश रेट भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ के ऊपर स्विच है मेरा, मतलब सेट है। तो यार आप लोगों को भी अपने फ़ोन के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ जो आपका परफॉर्मेंस जो अच्छा देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर ज्यादा कोई भी इशू नहीं है। आप लोगों को बार बार यहाँ पर जो है लैगिंग का या फिर यहाँ पर जो हीटिंग का डिवाइस का या फिर बैटरी बैकअप में दिक्कत आ रही है, तो यार आप लोगों को मैं बोलूंगा एक बार जो अपने फोन को आप फैक्ट्री रिसेट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने MIUI 13 अपडेट आने के बाद आप लोगों ने अपने फोन को रिसेट नहीं किया हार्ड रिसेट, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को एक बार जो अपने फोन को हार्ड रिसेट कर लेना है, तब जाके आपको अच्छा वाला परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और मैंने जो है ऑलरेडी अपने फोन को रिसेट कर दिया है। बाकी ये जो मैंने जो किस तरीके से सेट किया है अपने होम स्क्रीन के ऊपर सुपर वॉलपेपर, इसके रिलेटेड ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो लाइव है, आप जो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और जो दूसरी मेन बात गाइस की, काफी लोग बोलते हैं भाई अपडेट करने के बाद कैमरा डेड वगैरह हो जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं मैं जो अपना कैमरा ओपन करके दिखा देता हूं, यहां पर कैमरा वगैरह डेड कोई भी इशू नहीं है गाइस, परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी परफेक्टली काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, यानी कि यार परफेक्टली काम कर रहा है। अपडेट के अंदर कोई भी ज़्यादा अभी तक यहाँ पर जो मेजर इशू देखने को नहीं मिले हैं। और यहाँ पर जो यार काफ़ी लोगों से रिस्पॉन्स भी आया कि अपडेट जो खास करके यहाँ पर जो लैग होता था उसके रिलेटेड बनाया है और सिक्योरिटी पैच को अपडेट करके दिया है। सो दैट्स इट गाइस, बस इतना ही यार आप लोगों से बोलना चाहूँगा। ये अपडेट अभी तक जो यार कुछ ही पायलट यूजर्स को देखने को मिला है, अगर आप जो पायलट यूजर नहीं है तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, विद इन वीक आप लोगों को ये मिल जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ भी बग्स वगैरह ना पाए जाए तभी आप लोगों को ये पब्लिक रोल आउट देखने को मिल जाएगा। तो यार आप लोगों को जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, बिकॉज यार यहाँ पर जो कोई भी अपडेट आता है तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम फ्री होता है भाई। तो गाइस मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।